चलिए बच्चों, शीट दीजिए। एक ही शीट है ना आपके पास? शीट आप लोग की कल बटी थी, बटवा रहा हूं अभी, लाइए। अच्छा, आपके पास भी एक ही? कैसे होगा फिर? मोबाइल पे कोई बच्चा देख ले। चलिए बच्चों, कहाँ था क्वेश्चन करवाया गया था? 64 कराना है अभी, 62। आप लोगों ने इसको किया था क्वेश्चन? हाँ, ये ले लीजिए। चलिए 62। यदि दो अंकों की कोई संख्या अपने अंकों के योग का k गुना है, तो अंकों का स्थान पलटकर बनने वाली संख्या अपने अंकों के योग का कितने गुना होगी? ये क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिक में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी। कौन कौन से बच्चे एक्स वाई मानकर बेसिक से कौन कौन लोग नहीं कर पाए हैं, हाथ उठाइए। कितने लोग एक्स वाई से किया है बेसिक से मानकर? गुड। चलिए आइए देखिए। मैं भी करवा दे रहा हूं। इकाई का अंक हो गया आपका, इकाई अंक हो गया एक्स, दहाई अंक वाई। ये मेथड वन है, ये एग्जाम का तरीका नहीं है। और संख्या जो बनेगी वो बनेगी 10y प्लस एक्स। इतना बनाना तो आपको आ गया है। अंक पलटने से बनी संख्या क्या होगी? बनी संख्या बताइएगा 10x प्लस वाई। अब क्या बोला है कि जो संख्या है अपने अंकों के योग का k गुना है। इट मीन्स 10y प्लस एक्स इक्वल टू के टाइम ऑफ सम ऑफ द डिजिट। यही बोला है, जो संख्या है वो अपने अंकों के योग का क्या है? के गुना है। तो अंकों का योग एक्स प्लस वाई होगा, इसका के गुना यानी कि इन टू के करेंगे। ध्यान दीजिएगा हर एक बच्चा। अब बोला गया है कि बताइए अगर अंक पलट देंगे तो अंक पलटने से बनी संख्या अपने अंकों का योग का कितना गुना होगी, ये आपको बताना है। तो अंक पलटने से बनी संख्या हो गई 10x प्लस वाई। सही है, 10x प्लस वाई। ये अपने अंकों के योग का मान लिया कितने गुना होगी? पी गुना होगी एक्स प्लस वाई। इसी पी की वैल्यू निकालनी है। आपने मान लिया कि अंक पलटने से बनी संख्या अपने अंकों के योग का कितने गुना होगी? पी गुना होगी। अब क्या काम कर दिया जाए कि पी की वैल्यू आ जाए? दोनों को जोड़ दिया जाए। जोड़ेंगे तो यहां बनेगा ऑन एडिंग, ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11y इज इक्वल टू। इन दोनों में कौन सा क्या फिगर कॉमन है? x प्लस वाई कॉमन है, तो x प्लस वाई कॉमन ले लिया। यहां आ गया ब्रैकेट में k प्लस पी। अब यहां से 11 कॉमन हो जाएगा, तो ये x प्लस वाई हो गया इज इक्वल टू x प्लस वाई इन अनदर ब्रैकेट k प्लस पी। एक्स प्लस वाई से बच्चों एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, दिखाई दे रहा है कि के प्लस पी बराबर 11। देन पी बराबर क्या? 11 माइनस के, इतने गुना होगा। अंक पलटने से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 11 माइनस के गुना होगी। कितने लोग इस प्रकार से करके आंसर दिए थे, हाथ उठाइए। गुड, सही है। लेकिन ये एग्जाम का तरीका नहीं है। एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है? कोई संख्या एज्यूम करके आपको जीटीओ से आंसर कर देना है, ये तरीका होगा आपके एग्जाम का। हार के गुप्ता, कल वाली अलजेब्रा की क्लास हो जाएगी आज अभी? सही है, क्विक रिवीजन ले लेंगे उसका और एक ही लेक्चर में उसको समाप्त करेंगे। चलिए, हो गया ये आपका 62 नंबर का क्वेश्चन का मेथड वन हो गया, क्लियर है। अब आ जाइए, कर लिया बच्चों इसको आप लोगों ने। अब इसके बाद मेथड टू पे आते हैं। दोबारा तो नहीं बताना है, मेथड वन यही है, दूसरा वाला जो है आपका कंडीशन, वहां पी गुना वाली बात आपको माननी पड़ेगी कि अंक पलटने से बनी संख्या अपने अंकों के योग का क्या होगी, बताइए। पी गुना होगी, फिर दोनों इक्वेशंस जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए आइए, ध्यान दीजिएगा आपका मेथड टू क्या होगा।
कोई भी संख्या आप मान लीजिए, संख्या मानिए 12 मानना चाहते हैं, 12 मानेंगे तो इसका अंक पलटने से बनी संख्या क्या होगी, 21, ठीक है। और 12 आपके अंकों के योग का कितने गुना है, 4 गुना, और 21 भी अपने अंकों के योग का कितने गुना है, 7 गुना, ठीक है। तो ये सही है, ऐसा फिगर उठाइएगा कि गुना वाली चीज देखने में हमें आसानी हो, ये बढ़िया रहेगा। मान लिया संख्या क्या है 12, बच्चों ने कहा है 12 है, तो अंकों का योग क्या होगा 1 + 2 यानी कि 3। तो ये जो 12 है 3 का कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स है, क्लियर है, 4 गुना बोल सकते हैं। और ये 4 गुना किसकी वैल्यू है, के की, 4 गुना किसकी वैल्यू होगी, के की। अंक पलटेंगे तो संख्या क्या बनेगी, 21। ये अंकों के योग यानी कि 3 का कितने गुना है बताइए, 7 गुना है कि नहीं, 7 गुना है। अब देखिए, अब हम करेंगे जीटीओ, हमारा वही ऑप्शन सही होगा जिसमें रिजल्ट 7 गुना दिखाई देता हो, क्लियर है, वही रिजल्ट सही है जिसमें 7 गुना रिजल्ट दिखाई देता हो। अब देखिए आपका जीटीओ, आइए 9 माइनस के, हर एक बच्चा देखिए 10 माइनस के, 11 माइनस के, और डी क्या है, के माइनस 1। अब इसमें के की वैल्यू 4 यहां रखेंगे, के की वैल्यू 4 रखने से ये केवल 5 गुना दिखाई देगा, के की वैल्यू 4 रखने से ये 6 गुना दिखाई देगा, के की वैल्यू 4 रखने से ये 7 गुना दिखाई देगा, के की वैल्यू 4 रखने से इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3 गुना। तो बच्चों आंसर कौन सा सही है, सी वाला आंसर सही है, हर एक बच्चा देखे आंसर कौन सा सही है, सी वाला, ये आपका आंसर होगा। देखिए यहां पर आपने संख्या मान लिया, यही एग्जाम का तरीका होगा और ओरल आपका आंसर आ जाएगा। आपने संख्या क्या मान लिया, मान लिया संख्या 12 है, बच्चों के मन में आया होगा 12 ही क्यों माना, आप कुछ भी मान लीजिए, आप जो भी कहिएगा हम वो मान के करेंगे, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। 2 अंक की संख्या हमने 12 मान लिया, 12 इसलिए माना था कि अंकों के योग का गुना लेना बड़ा आसान है यहां पर, ठीक है। कभी कभी ऐसा फिगर आप मान लेंगे कि गुना लेने में फ्रैक्शन दिखाई दे, हो सकता हो कहीं 4/3 गुना मिले, हो सकता हो कहीं 17/8 गुना मिले, कुछ भी हो सकता है, समझिए। तो फिगर हम तो मानना ही है, तो ऐसा मानेंगे जिसमें हमारी कैलकुलेशन क्या हो, इजी हो। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 12 माना, आप लोगों ने ही बोला है, कोई और किसी के मन में कुछ और आ रहा होगा तो उसको भी हम मानेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हाँ हाँ दिखाएंगे हम, 14 पे भी दिखा देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए, देखिएगा। तो 12 जो है अपने अंकों के योग का कितने गुना है, 4 गुना। अंक पलटने से बनी संख्या क्या होगी, 21 होगी, 21 अपने अंकों के योग का क्या है, 7 गुना। तो ये 4 गुना किसकी वैल्यू हो जाएगी, के की। तो के की वैल्यू जब 4 है तो वो आंसर आपका 7 गुना आना चाहिए, के की वैल्यू 4 है तो आंसर क्या आना चाहिए, 7 गुना। अब जीटीओ हो लीजिए, देख लीजिए किसमें 7 गुना आ रहा है, अकेले केवल ऑप्शन सी में ही आपका क्या आ रहा है, 7 गुना आ रहा है, तो ये सारे के सारे गलत हो गए, सी क्या है, सही है, 11 माइनस के गुना हो जाएगा। ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कोई दूसरा किसी के मन में कोई दूसरी संख्या आ रही है तो बोल दीजिए, किसी के मन में कोई दूसरी संख्या आई है बोलिए, 36, 36 ले लिया, तो इसके अंकों का योग 3 + 6 यानी कि कितना हो गया, 9 हो गया। तो 9 का ये कितने गुना है, यहां भी 4 ही गुना है, ये किसकी वैल्यू है, के की। अब ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप सोचेंगे कि हमेशा के की वैल्यू 4 आएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कोई दूसरा बोलिए, इस पे तो सेट ही है, क्या लेना चाहते हैं, 14 लेंगे, तो ये 14 हो गया संख्या, अंकों का योग क्या हो गया, 1 + 4 यानी कि 5 हो गया। तो ये 14 जो है 5 का कितने टाइम्स है, आप बताइए 14 5 का कितने टाइम्स है, 14/5 टाइम्स है, 14/5 टाइम्स है, मतलब 14/5 का कितने गुना है, 14/5 गुना है, सही है, क्लियर है। अगर मैं पूछूं आपसे 10/2 का कितने गुना है, 10/2 का कितने गुना है बताइए, 5 गुना। और अगर ये पूछा जाए 2/10 का कितने गुना है, 1/5 गुना है, मतलब जिसका भी गुना निकालना उसमें भाग करिए, 14/5 का कितने गुना है यानी कि 14/5 करना पड़ेगा, तो 14/5 गुना है, 14/5 गुना, ये किसकी वैल्यू आएगी बताइए,
के की वैल्यू है ये, तो अंक पलटेंगे तो संख्या क्या होगी, 41 होगी। अब इसके अंकों का योग 4+1 यानी कि 5 हुआ, अब ये कितने गुना हो गया, 41/5 गुना हो गया। तो बच्चों के की वैल्यू अगर 14/5 है तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 41/5 आना चाहिए। देखिए यहां अंक पलटा गया है और अंक पलटने से बनी संख्या अपने अंकों के योग का 41/5 टाइम्स है, 41/5 टाइम्स है, ध्यान से देखिएगा। तो अगर आपकी के की वैल्यू 14/5 होगी तो निश्चित रूप से आपके आंसर की वैल्यू जो होगी वो 41/5 गुना होगी, 41/5 टाइम्स होगी। क्लियर है, कोई डाउट तो आइए। 14/5 रखते हैं हम ऑप्शन में अपने, यहां पर रख देंगे 9-14/5 कितना आ रहा है ये आंसर, 45 में से 14 घटाइए, 31/5 क्या मैच करा, आना क्या चाहिए था 41/5। इसमें रख के देखते हैं 11-41/5 कितना आ रहा है, 14/5 कितना आया, 41/5 आ गया, मिला, और किसी में नहीं मिलेगा, केवल किस में मिलेगा, इसी में। तो आप कोई भी संख्या लेने के लिए स्वतंत्र हैं और के का मान अलग अलग आ सकता है, यह नहीं कि आपने शुरुआत के एग्जाम्पल लिए थे 12 या 36 तो उसमें के की वैल्यू 4 आ रही थी, के की वैल्यू 4 आ रही थी, यह ना सोचिएगा। यह नहीं है कि के की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, के की वैल्यू संख्या के हिसाब से वैरी करेगी, भिन्न भिन्न होगी, आ रहा है समझ में, अलग अलग होगी, लेकिन उसके सापेक्ष जो आंसर होगा वो बनता जाएगा और ऑप्शन वही सही होगा जो आपका फिगर को सेटिस्फाई करेगा। के की वैल्यू रखने पर ये वाला फिगर दिखना चाहिए। तो आप बताइए, हम ऐसा एग्जाम्पल ढूंढेंगे कि भिन्न में फिगर मिले कि आसान एग्जाम्पल ढूंढेंगे, क्वेश्चन को करने के लिए आसान ही ढूंढेंगे, जब हमको ही ढूंढना है तो हम डिफिकल्ट फिगर क्यों ढूंढें, हमारा काम किस ओर होना चाहिए, चीजें आसान करने की ओर होना चाहिए कि कठिन आसान करने की ओर होना चाहिए। तो आसानी के लिए हम ऐसा फिगर यहां तलाशेंगे कि गुना करना हमारे लिए आसान हो। क्लियर है बच्चों, आ रहा है समझ में, चलिए आइए देखिएगा। इसके बाद है हमारा अगला सवाल 63 नंबर का क्वेश्चन है। एक महिला की आयु 2 अंक का एक पूर्णांक है, इस पूर्णांक के अंकों का स्थान बदल देने पर नया पूर्णांक उसके पति जो कि उससे बड़े हैं की आयु बन जाता है। उनकी आयु का अंतर उनकी आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है, उनकी आयु का अंतर क्या होगा, कर सकते हैं क्वेश्चन, कंडीशन बना लेंगे, ये संख्या संबंधी प्रश्न ही है। इकाई का अंक, भाई आयु के इकाई का अंक एक्स हो गया और दहाई का अंक क्या हो गया, वाई, ये किसका है, महिला का है ना, तो महिला की आयु का इकाई अंक एक्स और दहाई अंक क्या हो जाएगा, वाई। आइए करते हैं पहले बेसिक से। सिक्सटी थ्री देखिए, माना महिला के आयु का इकाई अंक बराबर क्या बच्चों, एक्स, तो दहाई अंक क्या हो जाएगा, क्या होगा, वाई, तो आयु क्या हो जाएगी 10y+x वर्ष, ये आयु हो गई। अब अंक पलटने से किसकी आयु बनेगी, पति की आयु, पति की आयु अंक पलटने से ही बन जाएगी 10x+y वर्ष, सही है। अब बोला गया है उनकी आयु का अंतर उनके आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है, आयु का अंतर कैसे निकलेगा, पति की आयु बड़ी है, पत्नी की आयु क्या है, छोटी है, तो 10x+y में से आप क्या माइनस करेंगे, 10y+x माइनस करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10y-x हो जाएगा, सही है। और ये जो आपका अंतर है योग का कितने गुना है बताइए, 10y+x+10x+y का कितने गुना है, 1/11 टाइम्स है, ऐसा ही बोला गया है, साफ बोला गया है कि उनकी आयु का अंतर उनके आयु के योगफल का 11वां हिस्सा है, तो क्या लिखेंगे इसको, 1/11
इलेवन क्या है, कहाँ 10x है, 10, हाँ ठीक है, ये है आपका 10x, सही है। कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये क्या बन रहा है आपका, ये बना 9x, 9 कॉमन कर लें सीधे क्या बनेगा, x माइनस y, क्या पूछा है उनकी आयु का अंतर, ठीक। ये कितना हो रहा है, ऐसे ही रहने दीजिए, 9x माइनस 9y इज इक्वल टू क्या, ये बन रहा है x प्लस y, क्लियर सारे बच्चों को, क्या बन जाए x प्लस y। अब क्या करेंगे आप, यहां पर ट्रांसफर अगर किया जाएगा तो ये बनेगा 8x इज इक्वल टू 10y हो गया, सही है बच्चों, 8x इक्वल टू क्या हो गया 10y। अब इसको कटाएंगे, x बाई वाई बराबर क्या 5/4। अब सुनिए, x और y ये डिजिट्स हैं आपके आयु के, ध्यान से देखिएगा ये आयु के क्या है, डिजिट्स हैं। अब इसका दुगना तो ले नहीं सकते, आप बताइएगा क्या इसका दुगना लेंगे, समान मल्टीपल में इसको 10 और इसको 8 बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, फिर वो डिजिट नहीं रहेगा, डिजिट आपका केवल क्या होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 होता है। तो यहां पर एक्स वाई का जो रेशियो आया है सीधे ये डिजिट को ही दर्शा देगा, एक्स वाई का जो रेशियो आया है वो किसको दर्शाएगा, डिजिट को, 5 और 4, महिला का आयु का इकाई अंक हो जाएगा 5 और दहाई अंक क्या हो जाएगा 4। तो यहां से महिला की जो आयु बनेगी वो क्या बनेगी बताइए, 45, और ये जो पति की आयु बनेगी वो क्या बनेगी 54। अंतर क्या आएगा, अंतर क्या आ रहा है, 54 में से 45 घटा दिया, कितना आएगा 9, 54 में से आपने 45 घटाया ये 9 आ गया, 9 वर्ष, 9 वर्ष। मैं जो डिजिट डिजिट का रेशियो आ गया है वो आ गया है 5:4, तो 5:4 ही रखना होगा आपको फिगर को ही, यहीं से डिजिट भी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि इसके मल्टीपल को उठाएंगे तो वो 2 डिजिट में चला जाएगा, और आपको डिजिट अगर कंसिडर करना है तो वो सिंगल रहेगा, सिंगल सिंगल, तो आपका इकाई का अंक हो गया 5 और दहाई का अंक क्या हो जाएगा 4, आप इस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ तो मल्टीपल उठा के देखते क्या, 2 और 3 आया है तो 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 3 से गुणा करेंगे तो 6 ले सकते हैं और 9 ले सकते हैं, इस तरह से बनाया जा सकता है, ठीक है। हर एक बच्चा ध्यान देगा, सबको क्लियर है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है बच्चों, आज आप लोग की ये समस्या दूर हो जाएगी जो आपको लगता है कि आप क्लास से अलग हो गए हैं, आज यहां पर वो लगा दिया जाएगा, ट्रांसपेरेंट पन्नी नहीं आती है उसको आज मंगवाया हूं मैं, कल कई सारे काम निकल आए थे इस कारण से ये काम हो नहीं पाया, लेकिन आज ये काम प्रॉपरली हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। चलिए देखिए, अब तो वैसे वैक्सीन वैक्सीन भी बच्चों लगने वाला है सबको ना, 2-4 दिन में लगना शुरू हो जाएगा, कल परसों से, तो ये सब समस्या जो है वो 2-4-6 दिन की ही चीजें हैं, 10 दिन मैक्सिमम दूर हो जाएगा, फिर हम लोग फुल इफिशियंसी के साथ क्लास चलाएंगे। चलिए देखिए, इसके पहले भी सब सही चल रहा था लेकिन बीच में नौटंकी हो गई, आइए देखिए। 64, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है। नहीं बाबू, आराम से इस तरह से कर सकते हैं, ये कंडीशन तो उठानी पड़ेगी ना हम लोगों को, तो ये रेशियो निकालना पड़ेगा, एक्स वाई का मान आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। सारे क्वेश्चन इसके शॉर्ट टेक्निक से नहीं होते, आयु संबंधी या सॉरी ये संख्या संबंधी प्रश्न है, ये आयु संबंधी प्रश्न नहीं है, कौन सा प्रश्न है, संख्या संबंधी, तो सारे क्वेश्चन इसके शॉर्टकट से नहीं होते। आइए चलिए देखिए, आज मैं लेट था इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन अब अफसोस करके कर ही क्या सकते हैं, जो समय गया वो उसको वापस नहीं लाया जा सकता बच्चों, इसलिए समय का बहुत महत्व है। चलिए आगे देखिए, 64 नंबर का क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है, और संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक
से कम है। मूल संख्या क्या है आपसे ये पूछा गया है, तो मेथड वन पे तो आएंगे ही हम सबसे पहले, और इसका संख्या दी गई है तो अगर संख्या दे तो इसको जीटीओ कर सकते हैं, अगर संख्या पूछा गया है ऑप्शन चार दिए गए हैं तो इसको जीटीओ किया जा सकता है, लेकिन पहले बेसिक, अगर आप बेसिक इसको कर लेते हैं तो ये माना जाएगा कि आपका मैथ में कॉन्सेप्ट मजबूत है। मैक्सिमम बच्चे इंटर मैथ वाले होंगे, मुझे उम्मीद है कि कर लेना चाहिए, हम चाहेंगे कि अभी करें। यूट्यूब पे भी बच्चे हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, हमें करके आंसर दीजिए, करके हमें आंसर दीजिए, रफ पे लगाइएगा, अभी मैं लगवाऊंगा इसको। मेथड वन बेसिक से इसका आंसर दीजिए, बेसिक से, बेसिक से इसका आंसर दीजिए सभी बच्चे। तेलियरगंज वाले भी आंसर दीजिए, लीवोलन वाले भी, और यूट्यूब वाले भी, यूट्यूब वालों के कमेंट दिखाइए अनिल हमें, ठीक है। कमलेश कुमार मिर्जापुर, बेटा आप एक बार वॉच अगेन में जाके देख लीजिएगा। संदीप गौतम कह रहे हैं न्यू फाउंडेशन बैच लाइव करवा दीजिए, नहीं न्यू फाउंडेशन बैच लाइव करवाने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर बच्चे बैठ जा रहे हैं, ठीक है, जहां प्रॉब्लम है वहां लाइव कराई जा रही है क्लास, और ये भी बहुत ज्यादा दिन अब समस्या नहीं रहने वाली है, वैक्सीनेशन शुरू होने वाला है आपका। सिक्सटी वन रोहित पाल ने आंसर करा है, विशाल निषाद ने 43 आंसर किया हुआ है, सुरेंद्र कुमार डी बोल रहे हैं, डी 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 कौन सा है, डेटा इनसफिशियंट बता रहे हैं। 52 आ रहा है गोल्डी गुप्ता का, सागर वर्मा डी दे रहे हैं, रोहित पाल 61 बता रहे हैं, अंशु मौर्य 52 आ रहा है इनका, रोहित पाल 61, कुंवर सिंह 43, रोहित पाल 61। पुनीत कुमार के कुछ चैप्टर छूट गए हैं तो आप संपर्क करिए कोचिंग से, आपके चैप्टर छूटे हुए कराए जाएंगे। रोहित पाल, आकाश मिश्रा और सुरेंद्र कुमार, वो पता नहीं क्या कह रहे हैं। 61 रोहित पाल ने आंसर करा है, प्रवेश टेक ने ए आंसर करा है, किसी ने 43 आंसर दिया है, किसी ने 52 आंसर करा है। चलिए ये बच्चे बिना बेसिक लगाए जीटीओ वगैरह से आंसर कर रहे होंगे। आप लोगों में से कितने लोगों ने बेसिक किया, हाथ उठाइए, आपने कर लिया, वेरी गुड। कितना आंसर आ रहा है, डेटा इनसफिशियंट आपका आ रहा है। सरजू चौधरी आपको नहीं आ रहा है, आप लोग बच्चे बताइए जरा, दूसरी क्लासरूम से होके आता हूं मैं, गुड। बच्चे काफी लाइव ही पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया, लाइव ही पढ़ना है, सही है, गुड। सोशल डिस्टेंसिंग का प्रॉपर ध्यान रखे हुए हैं आप लोग, बढ़िया है। यहाँ ट्रांसपेरेंट आपका प्लास्टिक लगा दिया जाएगा, पन्नी, प्लास्टिक वाली पन्नी, तो काम चल जाएगा। देखिए अब मैं करवा रहा हूं, समय चूंकि कम है इसलिए मैं करवा देता हूं। आप संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y मान के कर सकते हैं, कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन हम क्यों ना एक ही वेरिएबल लेकर करें तो ज्यादा अच्छा है। जब इकाई और दहाई अंकों में रिलेशन दिया हो, कोई रिलेशन दिया हो, इकाई अंक दहाई अंक का दुगना है, या इकाई दहाई अंक का योग कुछ दिया गया है, या इकाई अंक दहाई अंक से इतना बड़ा अधिक है, 5 अधिक है, 10 अधिक है, इस टाइप का अगर इकाई और दहाई में रिलेशन दिया गया है, तेलियरगंज वाले और सिविल लाइंस वाले, यूट्यूब और लीवोलन, चारों जगह के बच्चे ध्यान देंगे, इकाई दहाई में कोई रिलेशन दिया हुआ है तो सवाल को बेसिक से ही करना है, अगर तो छोटा करने के लिए हम वेरिएबल क्या लेंगे, एक ही लेंगे। कभी भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आता है इस तरीके का, अगर सिंगल वेरिएबल में आप रखते हैं तो एक ही इक्वेशन से बड़े आराम से वो सॉल्व हो जाता है, एक ही इक्वेशन से। लेकिन अगर डबल वेरिएबल, वेरिएबल समझते हैं ना बच्चों, चर चार राशियां, तो अगर डबल वेरिएबल में करेंगे तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को चूंकि इकाई और दहाई में पहले से ही रिलेशन बना के दिया हुआ है,
इकाई और दहाई का अंक ही हमको मानना है तो क्यों ना हम एक ही वेरिएबल में मान लें। आइए देखिए एक वेरिएबल में कैसे माना जाएगा। 64 अंकों का योग 7 दिया हुआ है तो माना इकाई अंक बराबर क्या एक्स है, तो दहाई अंक क्या होगा वाई मत मानिए, 7 माइनस एक्स मान लीजिए, वाई भी मान के कर सकते हैं आप स्वतंत्र हैं, लेकिन इससे हमारा एक ही इक्वेशन बनेगा और नॉर्मली वो सॉल्व हो जाएगा। दहाई अंक 7 माइनस एक्स हो गया तो मूल संख्या जो बनेगी वो क्या बनेगी, 10 ब्रैकेट में 7 माइनस एक्स और प्लस एक्स, जरा हल करके तुरंत बताइए कितना आएगा, 70 और माइनस 9x, ये आएगा 70 माइनस 9x। अब क्या बोला है, संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। सुनिए, संख्या का इकाई अंक यानी कि ये संख्या का इकाई अंक यानी कि ये इस संख्या को आधा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी उसके दहाई अंक के क्या है बराबर है। ध्यान से देखिएगा, तो क्या संख्या जो आधी होगी हम उसका दहाई अंक निकाल सकते हैं, बड़े आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि रिलेशन दिया है कि ये जो एक्स है आधी संख्या का दहाई अंक कहां गया, संख्या के दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के, अच्छा नहीं 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 संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। तो आप आधी संख्या का दहाई अंक लिख सकते हैं, आधी संख्या का दहाई अंक आप बता दीजिए क्या हो जाएगा, मूल संख्या का इकाई अंक होगा, यानी कि क्या होगा एक्स हो जाएगा, बच्चों बता दीजिए होगा कि नहीं। आप ये लाइन तो पढ़िए, यहां लिखा हुआ है संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है, तो अगर मैं इसका आधा करूं तो भाई इसका भी तो दहाई अंक आएगा, इसका आधा करूं अब बटा दो मत करने जाइएगा, तो डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कौन दहाई अंक है, यहां बटा दो मत करने जाइएगा, भाषा लिखी है ना, जो आधी संख्या होगी इसका आधा करेंगे तो उसके बाद एक संख्या आएगी उसका जो दहाई अंक है मूल संख्या के इकाई अंक के बराबर है। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन में बोला है, लाइन पढ़िए मजबूती के साथ, साफ लिखा गया है कि संख्या का इकाई अंक यानी कि ये एक्स, संख्या का इकाई अंक यानी कि मूल संख्या के इकाई अंक की बात कर रहा है, मूल संख्या का ये इकाई अंक, मूल संख्या का इकाई अंक संख्या को आधा, इस संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। तो भाई इसका बटा दो करके तो हमको कोई फायदा नहीं पहुंचेगा, हमको यहां भी एज्यूम करना है कैसे आधी संख्या जो तैयार होगी आधी संख्या का जो दहाई अंक होगा वो क्या होगा, मूल संख्या के इकाई अंक के बराबर होगा, और मूल संख्या का इकाई अंक क्या है आपका एक्स है। ये एक फिगर मिला आपको, आगे एक लाइन और लिखी गई है, क्या लिखा गया है, संख्या का दहाई अंक यानी कि ये आपका 7 माइनस एक्स, संख्या का दहाई अंक यानी कि मूल संख्या के दहाई अंक की बात कर रहा है, संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक से क्या है एक कम है, तो ये बताइए ये जो 7 माइनस एक्स है इसको आधा कर देंगे तो उसके इकाई अंक से ये क्या है एक कम है, तो आधी संख्या का जो इकाई अंक इसका दहाई अंक मूल संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई अंक से क्या है एक कम है। तो बच्चों अगर ये एक कम है तो जो आधी संख्या का इकाई अंक होगा वो इससे एक क्या होगा ज्यादा होगा, हम कह सकते हैं, क्लियर है कि नहीं, तो यहां लिखने के लिए लिख सकते हैं आधी संख्या का इकाई अंक, अब बताइए आधी संख्या के इकाई अंक से एक कम करेंगे तो किसके बराबर होगा, 7 माइनस एक्स के बराबर होगा कि नहीं, हमने ऐसे लिख दिया, हम आपको क्यों कठिन कंडीशन आपको सिखाए, नए हैं अभी, आप जैसे बोला वही लिख देते हैं। आप क्या करिए आधी संख्या के इकाई अंक में से एक कम करिए
वो किसके बराबर आएगा? मूल संख्या के दहाई अंक के बराबर आएगा। फिर से एक बार हम क्वेश्चन पढ़ देना है, कंडीशन ये सब समझा देना है, ध्यान से देखिए। बोला गया है 64 नंबर का क्वेश्चन है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 7 है, संख्या का इकाई अंक 7 है, ठीक है। पहले अब रुकिए, दो अंक की संख्या है, अगर उसका इकाई अंक x है तो क्या दहाई अंक 7-6 होगा? आप बताइए सही लिया कि नहीं मैंने, एग्जैक्टली ये सही है। अब क्या बोला है वो देखिए, अब बोला गया है संख्या का इकाई अंक यानी कि x, संख्या यानी कि मूल संख्या का इकाई अंक यानी कि x, संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर है। तो सीधे सीधे इसका आधा करेंगे तो इसका जो दहाई अंक आएगा, जो कि यहां दिखाई नहीं दे पाएगा बाई टू करने पर, लिखना पड़ेगा आपको, संख्या माननी पड़ेगी, तो उसी की बात कर रहा है। आधी संख्या का जो दहाई अंक होगा मूल संख्या के इकाई अंक के बराबर है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गई ये कंडीशन, हो गया ये एक्स। फिर उसके बाद बोला है, फिर से पढ़िएगा कंडीशन आगे, संख्या का दहाई अंक यानी कि ये मूल संख्या के दहाई अंक की बात कर रहा है, 7-6 की बात कर रहा है, संख्या का दहाई अंक संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के इकाई के अंक से एक कम है। तो आधी संख्या का इकाई अंक में से अगर एक कम कर देंगे तो यह मूल संख्या के दहाई अंक के बराबर हो जाएगा कि नहीं, बता दीजिए। अब ये दोनों कंडीशन क्लियर हो गई, कोई बच्चा और ये चाहता है दोबारा बता दिया जाए? सरजू चौधरी, क्लियर हो गया? चलिए देखिए, आधी संख्या का क्या इकाई अंक बराबर क्या बच्चों, बताइए? 8-x हो जाएगा। अगर आधी संख्या आपको फॉर्म करनी है तो क्या बनेगा? 10 × 10 ब्रैकेट में 7-x और प्लस इकाई का अंक, आधी संख्या का इकाई अंक क्या है? 8-x। कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा? 70 8-11x, सही है, क्लियर है, यही आ रहा है बच्चों। आप देखिए, ये आपकी मूल संख्या है और ये उसकी आधी है, तो अगर इस आधी का दुगना करेंगे तो मूल संख्या के बराबर होगा? कहीं आधा दुगना बोला है, इसका मतलब ये भी तो एक रिलेशन है, आधा दुगना बोला है, ये भी तो एक रिलेशन है, क्या है? दहाई अंक, आधी संख्या का दहाई अंक क्या है? एक्स है। अच्छा, ये एक्स है, हाँ हाँ ठीक है, ये नहीं छूटना चाहिए था, इसको देखा करिए आप लोग ध्यान से, छोड़ देते हैं ये, 10x है, आपका काम है भाई, सामने आप बैठे हुए हैं, देखते रहा करिए कि चीजें जो फिगर उतर रहा है, मुझे ये दिख गया तो मैंने ये छाप दिया। देखिए वो बच्चा ज्ञानी है, प्रॉपर नजर गड़ाए रखा है व्हाइट बोर्ड पे, ये होना भी चाहिए, लगातार मान लिया व्हाइट बोर्ड पे, कभी कभी कॉन्सेंट्रेशन चला गया, ठीक है, तो होता है कभी कभी ऐसा। चलिए देखिए, तो बच्चों ये क्या हो गया, ये सब सही है ना? अब तो ये होगा कितना, 9x + 8। बच्चों ये जो है इसका आधा है, तो इसका बाई टू करेंगे तो अब ये आएगा, या आप इसका दुगना कर देंगे तो ये आएगा, कुछ भी कर लीजिए, 9x + 8 × 2 = क्या, 70 - 9x। एक्स बराबर क्या, बताइए? एक्स बराबर 2, श्योर है? 2, हल करके देखिए एक्स बराबर क्या आ रहा है, क्यों तेलियरगंज वालों, आ रहा है समझ में? सेकेंड इक्वेशन नहीं समझ में आ रहा है आशुतोष पांडे को, वॉच अगेन में जाके देखिए। शुभम त्रिपाठी कह रहे हैं यूपीएसआई वालों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। अब देखिए फॉर्म वगैरह तो नहीं आ रहा है अभी, 2021 आ गया, कई लोग होंगे, कई सारे बैचेस बन के खत्म भी हो गए, फॉर्म का पता नहीं चला। अरे कोई बात नहीं, दोबारा समझा देंगे। क्या है? हाँ, x = 2 आ रहा है ना, आप सुनिए आंसर तो दे दे पहले। हम क्या पूछा है हमसे, पूछा गया है बताइए मूल संख्या क्या होगी, तो मूल संख्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, 70 - 9 × 2 कितना 52, या यहां से भी दे सकते हैं, ये 2 हो गया और ये
पांच हो गया तो संख्या क्या 52 होगा। क्लियर? अब जरा मैं उस दूसरे वाले क्लासरूम में चला जाऊं, बच्चे को समझा दूं, एक मिनट वेट करिएगा। अगला आगे समझ में जिसको आ गया है वो अगला क्वेश्चन कराए किसको, आपको सुनिएगा ध्यान से, खड़े हो जाइएगा। दिखाई दे रहा होगा आपको कि एक मूल संख्या है और संख्या का क्या किया गया है, आधा भी किया गया है। आपने क्या किया होगा, आपने माना होगा इकाई का अंक एक्स, दहाई का अंक वाई, संख्या बनाया होगा 10y+x, आपने उसी का बाई टू कर दिया होगा, उसी का बाई टू किया है, तो आपने संख्या बनाई होगी 5y+1/2x, ऐसे कुछ बनाया है कि नहीं? ये भी नहीं किए थे, खैर कोई बात नहीं, कई लोगों ने ऐसा किया होगा। लेकिन आप बताइए बच्चों, अगर हम 10y+x का आधा करें तो क्या हमको आधी संख्या का इकाई और दहाई अंक पता चल पाएगा क्या? यस सर, वो नहीं है आधी संख्या का इकाई और दहाई अंक, वो गलत है, कोई ऐसे नहीं करेगा, बाई टू करके पता ही नहीं चल पाएगा। सुनिए हम यहाँ क्या करते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम में तनाव नहीं होना चाहिए, पहली चीज दिमाग में शर्त है ये, और क्वेश्चन को मजबूती से गंभीरता से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मैंने अभी अभी आपको ये चीज सबके लिए बता दिया है कि अगर इकाई और दहाई के अंक में रिलेशन दिया हो तो आप एक वेरिएबल में ही फिगर को मानिए, इकाई और दहाई का अंक, ये आपके लिए अच्छा रहता है। इकाई के अंक को अगर एक्स मान लेंगे तो क्या दहाई का अंक 7-x होगा? पहली बात क्लियर है, आ रहा है समझ में क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोला, इकाई और दहाई अंकों का योग जो है वो 7 है। क्लियर हो? मैंने क्या कहा था, पहली शर्त है वर्ड प्रॉब्लम की, सवाल को मजबूती से पढ़िए, गंभीरता से पढ़िए, बहुत ही अटेंटिवली आपको और कॉन्सेंट्रेट होके चीजों को उठाना है, लिफ्टिंग जो होनी चाहिए क्वेश्चन की वो मजबूत होनी चाहिए, आया समझ? जैसे एरोप्लेन आपका लिफ्ट होता है, वो सिस्टम आपके अंदर, वैसा इंजन अपनी दिमाग में लगाइए, क्वेश्चन को लिफ्ट करना, जितनी मजबूती से लिफ्ट करेंगे उतना जल्दी क्वेश्चन लगता है, चाहे वो कोई सा भी टॉपिक हो, कॉन्फिडेंस मजबूत रखिए, अरे ये तो हम कर ही लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम ही तो है, सारी चीजें तो क्वेश्चन में ही दी रहती है, कंडीशन क्या करना है वो तो साफ बताया रहता है ना क्वेश्चन में, यहां भी साफ बोल रखा है कि अगर आप इकाई दहाई के अंकों का योग देखें तो 7 है, आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा था तो इसमें भी एक डाउट था आपको, ठीक है? अब क्लियर हुआ ये डाउट, इकाई अंक एक्स और दहाई अंक क्या हो गया 7-x होगा। अगर संख्या बनाए हम तो 10(7-x+6) यानी कि संख्या कितनी बन के आ रही है, संख्या बन रही है 70-9x, ये संख्या बन रही है। अब इस संख्या का आधा करिए, बाई टू करके मत आगे बढ़ जाइएगा, हाँ आधा करने से क्या हो रहा है कि जो मूल संख्या का जो इकाई अंक है आधी संख्या के दहाई अंक के बराबर है, तो मूल संख्या का इकाई अंक क्या है बच्चे, मूल संख्या का इकाई अंक क्या है, एक्स है, तो जो संख्या आधी होने पर प्राप्त हुई है उसका दहाई अंक क्या होगा 1-x हो जाएगा, 7-x क्यों होगा, आधी संख्या का जो दहाई अंक है मूल संख्या के इकाई अंक के बराबर है। आप पहले प्रश्न कई बार अच्छे से पढ़िए, प्रश्न नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको प्रश्न अच्छे से पढ़िए, वो तो साफ लिखा हुआ है ना, क्यों बच्चों साफ लिखा हुआ है कि आधी संख्या का जो दहाई अंक है मूल संख्या के इकाई अंक के बराबर है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब उसके बाद बोला है कि जो मूल लिखा नहीं है, मैं मूल आपको बोल दे रहा हूं कि आपको क्लियर है, मूल संख्या का जो आपका दहाई अंक है आधी संख्या के इकाई अंक से एक कम है, देखिए लिख भी दिए हैं हम, आधी संख्या का इकाई अंक -1 बराबर मूल संख्या का दहाई अंक, यहां से आधी संख्या का इकाई अंक आ जाएगा। जब आधी संख्या का दहाई और इकाई अंक प्राप्त हो चुका है तो बच्चों बताइएगा आधी संख्या बन जाएगी, यहां पर दूसरी क्लासरूम में बैठा बच्चा देखे यही बनेगा। अब बोला है, बोला कुछ नहीं है, अब हम करेंगे काम, ध्यान से देखिए, अगर हम आधी संख्या का दुगना कर दें तो ये मूल संख्या के बराबर होगा, या इस मूल संख्या का आधा कर दें तो आधी संख्या के बराबर होगा, इस तरीके से आप अपने प्रश्न का उत्तर देंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है, ध्यान से इन दोनों कंडीशंस को पढ़िए, आपको बस आधी संख्या का इकाई और दहाई अंक पता करना है जिससे कि आप आधी संख्या का निर्माण कर सके। जिन बच्चों ने 10y+x/2 करके किया है क्वेश्चन वो गलत किए हैं, वहां से इकाई और दहाई अंक डिसाइड नहीं कर पाएंगे, यही प्रॉब्लम आ रही होगी ना आप लोगों को, ऐसा नहीं कर सकते आप, ठीक है? नहीं तो वो तो बट्टा में चला जा रहा है,
तो कहाँ डिसाइड हो पाएगा इकाई और दहाई अंक, इस तरह से डिसाइड होगा। एक तरीका और था इसी में मानने का, आप घर पे मान के देखिएगा, हम आधी संख्या का ही इकाई अंक एक्स मान लेते हैं और दहाई अंक वाई मान लेते हैं, तो उससे मूल संख्या का इकाई और दहाई अंक निकाल लेते हैं। लेकिन उससे कम समय में ये हो गया आपका, कम टाइम में बच्चे ये हो गया। अब आइए जीटीओ पे, जीटीओ पे हर एक बच्चा आए सर इक्वेशन को इंग्लिश में बनाने की कृपा करें, सर इक्वेशन को इंग्लिश में बनाने की कृपा करें, इंग्लिश में बनाने की कृपा करें, मतलब इक्वेशन तो इक्वेशन आप लोग समझ में, बैंक कह रहे हैं इक्वेशन को इंग्लिश में बनाने की कृपा करें, मतलब अच्छा इकाई दहाई जो लिख रहे हैं उतना तो सबको आना चाहिए, इंग्लिश मीडियम वालों को भी 65 यूनिट डिजिट टेंस डिजिट ये सब आना चाहिए। दो अंकों की टू डिजिट नंबर है, ध्यान से देखिएगा, दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर, अच्छा सॉरी इसका तो जीटीओ भी तो करना है, 64 का जीटीओ, ये तो एग्जाम का तरीका, कई सारे बच्चे इसी से आंसर ही दिए होंगे। आइए देखिए 43 बी 52, और ये यूट्यूब वाले हमको समझ में नहीं आता, जो मन में आता है आंसर देते रहते हैं, कई बच्चे 43 भी दिए हैं, 52 भी दिए हैं, 61 भी दिए हैं, इनको लगता है मजाक हो रहा है, पता नहीं क्यों ये आते हैं क्लास करने, डेटा इनसफिशियंट, आंकड़े अधूरे हैं। देखिए अगर 43 लेंगे बच्चे कंडीशन बड़ा स्पष्ट है, दो कंडीशन दी गई है अंकों का योग, एक तो 7 दिया हुआ है और एक कंडीशन यह भी है कि इकाई क्या दिया हुआ है कि आधी संख्या और मूल संख्या, यह भी एक कंडीशन है, मूल संख्या और आधी संख्या यह भी एक कंडीशन है। और देखिए समझिए ध्यान से, इसका आंसर आएगा कंडीशन पर्याप्त दिया हुआ, आंकड़े अधूरे नहीं है, तो यह तो पहले ही चला जाएगा। 43 को आप चेक कर रहे हैं तो अंकों का योग तो 7 आ रहा है, यह मूल संख्या है, अंक पलटेंगे तो संख्या क्या होगी बताइए, 34 होगी। एक कंडीशन दिया था कि मूल संख्या का जो इकाई अंक है, ध्यान से देखिए, अच्छा संख्या आधा करना है, गुड, 43 का आधा हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाएगा, दशमलव में चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं बात, यानी कि आंसर गलत है, यह आंसर क्या है गलत है, इसका भी आधा हो ही नहीं पाएगा, यह भी आंसर गलत है। बच्चा कौन, 52, 52 आंसर क्या है सही है। कई लोगों को डाउट होगा कि सर डाटा इनसफिशियंट भी तो हो सकता है, हो सकता है लगाए और ना लगे, एकदम आपका शक सही है, लेकिन आंकड़े पर्याप्त दिए गए हैं, कंडीशन हमारे पास दो तो है मुख्य रूप से ना, दो कंडीशन मुख्य रूप से है, और आधी संख्या मूल संख्या में भी रिलेशन प्रॉपर दिया गया है, तो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा और निश्चित रूप से आंसर आ जाएगा, डेटा इनसफिशियंट है नहीं, पर्याप्त डेटा दिया हुआ है। भाई दो वेरिएबल है तो मान के चलिए दो इक्वेशन होना चाहिए, भाई इकाई अंक दहाई अंक दो वेरिएबल हो गए ना, तो इसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, दो कंडीशन है आपके पास है ना, तो डेटा इनसफिशियंट नहीं होगा, 52 आंसर होगा। मैं चेक करवा दूं, चिंटू प्रसाद रोमन अंक की क्लास एक दिन चालू कर, हाँ रोमन अंक अशफाक सर को बोल देता हूँ पढ़ा देंगे, रोमन आज ही पढ़वा देता हूँ अशफाक सर से, ठीक है चलिए। आइए देखिए 52 52 मैथ्स का, देखिए सिलेबस बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैथ्स में आपको पढ़नी है, एक तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी, अब ये नहीं कि 3 महीने या 4 महीने में कोई कोर्स कंप्लीट करा देगा, 4 महीने 5 महीने की चीजें नहीं रह गया कि 4-5 महीने में कोर्स कंप्लीट, टाइम लगेगा, बहुत कुछ पढ़ना है। पहले वाला जमाना गया 2016 के बाद से, 2016 से सॉरी चीजें बहुत तेजी से बदली हैं, 2016 से पहले तक चीजें सामान्य थी, 2010 से लेकर 2016 तक की चीजें सामान्य थी, मतलब 2010 से 2015 तक चीजें सामान्य थी, और 2016 से लेके लगातार चीजें क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, तो आपको ज्यादा मेहनत अब करनी पड़ रही है, 2010 से लेके 2015 तक की मेहनत ज्यादा थी नहीं तैयारी में, और अब मेहनत आपको बढ़ाना ही बढ़ाना है। पहले कोर्स एक लिमिटेड था, ठीक है, अब बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो गए हैं हर टॉपिक से, और आपको कई सारे, हर एग्जाम आप दे रहे हैं तो सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, जो SSC में नहीं है वो उनको भी पढ़ना है, तो इसलिए मेहनत बहुत ज्यादा आपको बढ़ा के करनी है। आइए देखिए, तो बच्चों यही आंसर सही है, देख कर ही आंसर दे दिया, 52 हमारा सही है, 52 क्या है सही है, तो ये देखिएगा अगर इसका आधा करेंगे तो क्या होगा, 52/2 यानी कि
26 होगा। अब बता दीजिए इसका जो इकाई अंक है मूल संख्या का, क्या संख्या को आधा करने से प्राप्त संख्या के दहाई अंक के बराबर, दहाई के अंक के बराबर है? संख्या को आधा करेंगे, दहाई अंक क्या है? दो है, और मूल संख्या का इकाई अंक क्या है? दो है। बताइएगा दूसरी क्लास में बैठा बच्चा, समझ में आ रहा है आपको? क्लियर है ना? थोड़ा ध्यान दीजिए। अब सारे बच्चों को क्लियर है? अब देखिएगा बच्चों, ये कंडीशन मैंने मैच करा दिया, फिर इसके बाद बोला गया है कि मूल संख्या का जो दहाई अंक है, दहाई अंक ना, हाँ ठीक है, मूल संख्या का जो दहाई अंक है, संख्या को आधी करने के बाद प्राप्त संख्या के इकाई अंक से एक कम है, भी छह से एक कम है, ये पांच, सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन आपकी, हो गया आंसर, यही आंसर क्या है, सही है। इतने में ही आपको आंसर देना है, और मैक्सिमम लोगों ने ऐसे ही आंसर दिया था, सही है कि नहीं? हाथ उठाइए, कितने लोगों ने इसको ऐसे आंसर किया था? सुबह सुबह मैं गलत बोल गया क्या? चलिए कोई बात नहीं, नहीं किया था आप लोगों ने ऐसे भी? अच्छा, मैंने बेसिक बोला था, ठीक, बच गए आप लोग। अगर कोई कह देता ऐसे किए थे, उसको कूटे भी होते हम। आइए देखिए, अब हमारा क्वेश्चन है 65 65। दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है। यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो मूल संख्या क्या है, यह आपसे पूछा गया है। मूल संख्या क्या है, यह आपसे पूछा गया है। हर एक बच्चा ध्यान देगा। 65। तो बच्चों क्या यहां इकाई अंक x और दहाई अंक y मानना जरूरी है? नहीं, इकाई और दहाई में जब रिलेशन दिया हो तो एक वेरिएबल में मानिए, ज्यादा सुखी रहेंगे आप। दो वेरिएबल में मत करिए, उसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा, आपके इक्वेशन सॉल्विंग की बात आ जाएगी। आइए चलिए देखिएगा, तो इकाई के स्थान पर अंक दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से कम है, तो इकाई अंक क्या हो जाएगा और दहाई अंक क्या हो जाएगा? दहाई अंक को क्या मान लो बच्चों, x मान ले, तो इकाई अंक क्या होगा? 2x - 1। सहमत है? मूल संख्या क्या बनेगी? 10x + 2x - 1, कितना? 12x - 1। अब क्या बोला है, यदि इकाई और दहाई के स्थान पर अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो अंक पलटने से बनी संख्या बनाइए, पलटने से बनी संख्या क्या होगी बताइए बच्चों। यह हो जाएगा आपका 10 (2x - 1) और प्लस क्या x, कितना आ रहा है वो बताइए, 20x (21x) कर दें और फिर माइनस 10, ये बनेगा। अब क्या बोला है, अंक पलटने से बनी संख्या। अब इसके बाद यदि इकाई और दहाई के अंक, तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है, ठीक है, नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है मूल संख्या से क्या है, 20 कम है। अब सुनिए इस कंडीशन को, तो ध्यान दीजिए, अंतर लेना है तो अंतर में हमको पता होना चाहिए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। बड़ा और छोटा डिसाइड करने के लिए हमको बस ये इकाई और दहाई में पता चल जाए कौन बड़ा है और कौन छोटा है। अब हम आपसे पूछें कि इकाई अंक बड़ा है कि दहाई अंक बड़ा है, तो आप क्या बोलेंगे, दहाई अंक बड़ा है। ध्यान दीजिए, यहां देखिए इस इकाई और दहाई के अंक की मैं यहां की बात कर रहा हूं, बोला गया इकाई अंक दहाई के अंक के दुगने से एक कम है, बताइए क्या होगा, इसी को इकाई अंक को ही तो बड़ा बोलेंगे, यही तो बड़ा होगा। अगर ये 3 है तो 3 × 6 - 1 = 5 है, अगर ये 2 है तो 2 × 4 - 1 कितना है, 3 है। अब कहेंगे सर अगर 1 है ये तो, तब वो केस उठाएंगे क्या? नहीं उठाएंगे, वो केस नहीं उठाएंगे ना हम, इसी को हम बड़ा मानेंगे। इसको क्या मानेंगे, बड़ा भाई, 1 नहीं ले सकते, क्योंकि जब 1 लेंगे तो अंक पलटने और ना पलटने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको बराबर कर लेंगे, समझिएगा, अगर 1 पे चेक करते हैं तो अंक पलटे या चाहे ना पलटे फर्क पड़ेगा, मूल संख्या भी 11, अंक पलटने के बाद बनी संख्या भी 11, क्या फायदा इसका, कंडीशन को फॉलो या नहीं करेगा। साफ समझ में आ रहा है कि यहां पर क्या होगा आपका, यहां पर इकाई और दहाई के अंकों में क्या है, अंतर है, कोई एक बड़ा है और कोई एक छोटा है, बराबर तो हो नहीं सकता,
बराबर आप ले लेंगे तो फायदा क्या होगा? अगर संख्या आप 11 बनाते हैं तो अंक पलटने के बाद क्या होगा, डिजिट रिवर्स होंगे तो क्या होगा आपका, अभी भी वो 11 ही रहेगा, तो दोनों का अंतर जीरो आ जाएगा। अब ये जीरो मूल संख्या से कैसे 20 कम हो जाएगी, गलत है ना ये कंडीशन। इसलिए साफ या स्पष्ट हो लीजिए कि दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग है। अब यहां से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, जाहिर सी बात है कि इकाई का अंक ही क्या होगा, बड़ा, और ये दहाई वाला अंक क्या होगा, छोटा होगा। तो बच्चों यहां पर इकाई का अंक ये बड़ा है, यहां पर इकाई का अंक ये 2x-1 बड़ा है और ये छोटा है, तो पक्का ये संख्या क्या बनेगी, ये छोटी बनेगी, क्योंकि दहाई का अंक छोटा रखा गया है। संख्या बड़ी कब बनती है, जब दहाई का अंक बड़ा रखा जाए। ये छोटा होगा और ये क्या होगा, अंक पलटने से बनी संख्या बड़ी होगी, इसमें दहाई अंक बड़ा हो गया। 2x-1 जो है x से क्या है, बड़ा है, बड़ा है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यहां पर 2x-1 को दहाई के स्थान पर रखा गया है, तो ये संख्या छोटी होगी और ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ये समझना है आपको, अनिवार्य है। अब बच्चों क्या करेंगे, घटाना है। 21x-12x-1 ये अंतर आ गया, और ये जो अंतर है ना वो मूल संख्या से 20 कम है, ये बोला गया है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या है 12x-1, इससे 20 कम कर दीजिए। अब आपका काम है, क्या है, कहां -10 है, अच्छा हाँ ठीक है, 21x-10, एकदम सही बोले हैं आप लोग, ये 10 छूट रहा था, सही है बच्चों। x बराबर आप बताइए हल करके, हाँ 4 आया, गुड। क्या पूछा गया है आपसे, मूल संख्या पूछी गई है, तो यहां पर मूल संख्या क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका कितना बताइए, 4 × 2 = 8, 8 में से 1 = 7, यही हुआ ना, और ये कितना 4, तो मूल संख्या क्या बनेगी, 47। इस क्वेश्चन को करने का हमेशा जो तरीका होगा वो क्या होगा, जीटीओ। एग्जाम में कैसे करेंगे, जीटीओ से। लेकिन अगर किसी को ये कंडीशन सेट करना नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो मैथ कमजोर है उसकी, उसको हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी अगर ये चीज नहीं आता उसको, तो ये तरीका उसको नहीं आता, तो सही है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करिए प्रॉपर। एक सुबह इस तरह से बैठिए कि मुझे चिल्लाना ना पड़े, एनर्जी समाप्त हो जाती है, फिर पढ़ाने की इच्छा खत्म हो जाती है। कोई न्यू स्टूडेंट भी है क्या, बताइए, आप लोग हैं, ठीक है, आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही है। पीछे की क्लास आपकी छूट गई है, तो कोशिश करिए उसको खुद से कवर करने की, अभी एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगवा पाऊंगा, एक्सपर्ट की भी सुविधा मैंने खत्म कर दी है, इसलिए कल ही से खत्म किया है कि भीड़ वहां पर ना लगे, ठीक है। इसलिए अभी इन चीजों को समझने की कोशिश करिए, नहीं आएगा तो वो बाद में भी चीजें आपको समझाई जाएंगी। एकदम फ्रेश न्यू बैच आपका स्टार्ट हुआ है नंबर सिस्टम से, कुछ भी छूटा नहीं है, आयु संबंधी छूटा है तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, बाद में भी लास्ट में संडे वनडे को पढ़ लेंगे तो भी कवर हो जाएगा। हाँ, ये संख्या संबंधी ये चीजें समझिए कि इकाई का अंक कैसे और दहाई का अंक कैसे माना जाता है, ये सारी चीजें समझनी है आपको। तो बच्चों क्या दोबारा करना पड़ेगा, क्या हुआ, एक बार रिपीट कर दें, आप भाषा पढ़िए जरा एक बार प्रश्न की, किसने बोला है, दूसरे क्लासरूम से आवाज आई है, किसकी, आपकी आवाज थी, चलिए प्रश्न पढ़िएगा, जोर से पढ़िए, जोर से पढ़िए, खड़े हो जाइए आप लोग। आगे का क्वेश्चन जीटीओ तो ट्राई कर लिया ना आप लोगों ने, लग गया जीटीओ, हम अभी बता देंगे, तब तक अगला क्वेश्चन लगाते रहिए आप लोग, मैं इस बच्चे को समझा दूं 2 मिनट, तब तक आप लोग अगला क्वेश्चन लगाते रहिए। बोलिए बाबू, रुकिए अभी, तो दो अंकीय संख्या का इकाई और दहाई अंक एक्स और वाई मानेंगे कि इसी के आधार पर मानेंगे, क्या मानेंगे, कैसे 2x-1 मान लेंगे भाई, 2x-1 के लिए सबसे पहले दहाई अंक मानना पड़ेगा ना, पहले दहाई का अंक क्या मानेंगे, x, तो इकाई का अंक क्या होगा, उसके दुगने से 1 कम, ठीक, आगे आइए।
जनरली ऐसे सवालों में हम दो चीजें तो निकालते ही हैं, मूल संख्या और अंक पलटने से बनी संख्या। ये केस बना है यहां पर, तो मूल संख्या बना सकते हैं आप, क्या होगी मूल संख्या का पैटर्न क्या है पता है ना, 10 गुणे दहाई प्लस इकाई ऐसे बनेगा। तो मूल संख्या सामने है आपके 12x-1, और अंक पलटने से बनी संख्या बनेगी क्या, 10 ब्रैकेट में 2x-1 और प्लस 1x, तो 21x-10 बन गया। ठीक, अब क्या है पढ़िए। हाँ ये लाइन नहीं समझ पाए, ठीक, नई और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है, जो भी अंतर आएगा वो क्या आएगा पहले वो पता करते हैं। वो कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा, दोनों संख्याओं को घटाइए, अब घटाने में किसको किससे घटाएंगे ये चीज पहले आप समझिए, अंतर कैसे निकलता है घटाकर, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को घटाया जाता है, यही अंतर होता है ना, इसी चीज को पहले हम करेंगे। तो आप अंक पलटने वाली संख्या में से मूल संख्या को घटाएंगे कि मूल संख्या में से अंक पलटने वाली संख्या को घटाएंगे, मेन बात यह आती है। पहले आप यहां देखेंगे कि मूल संख्या बड़ी है कि अंक पलटने से बनी संख्या बड़ी है, यह चीज देखना है। तो यह चीज डिसाइड कैसे होगा, इधर देखिए हमारी ओर, यह चीज डिसाइड कैसे होगा, एक्स यहां जो माना है आपने एक्स और 2x-1, इसी से तो दोनों संख्याएं बनी है, तो पता करिए इन दोनों में बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है कि 2x-1 बड़ा है, श्योर है ना, ठीक है। तो आप बताइए दहाई के स्थान पे अगर बड़ा अंक ले लेंगे तो संख्या बड़ी हो जाएगी, और दहाई के स्थान पर छोटा अंक ले लेंगे तो वो संख्या छोटी हो जाएगी, सहमत है, बताइए। 2-3 से संख्या बनानी है तो 3 बड़ा है 2 छोटा है, तो 32 ले लेंगे तो संख्या बड़ी होगी, लेकिन 23 लेंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आपको पता चल चुका है कि मूल संख्या छोटी है क्योंकि उसके दहाई के अंक पे क्या है, एक्स है, और अंक पलटने से संख्या जो बनी है वो बड़ी है क्योंकि उसके दहाई के स्थान पे क्या है, 2x-1 है। आ रहा है समझ में, तो क्या होगा बताइए, आ गया समझ में, तो संख्या बड़ी छोटी डिसाइड हो गए तो उसमें से घटा दिया। अब ये जो अंतर आ रहा है मूल संख्या जो भी है उससे क्या है बताइएगा बच्चों, 20 कम है, मूल संख्या से 20 क्या है, कम है। हर एक बच्चा देखे, रख दिया, हो गया कंडीशन। आइए जीटीओ पे आते हैं, थोड़ा सा बच्चों को नया नया सब है, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है इसलिए समय देना पड़ रहा है, बाद में तेजी से चलेगा, आप कोई परेशान नहीं होगा। अब देखिएगा जीटीओ में आएंगे, एग्जाम का तरीका तो जीटीओ ही है, 59 यही है ना बच्चों, ए है 59, रुकिए मैं पूरा मिटा के यहां करूंगा, आज मैं लेट था, फाइव का जीटीओ देखिए, 59, 23, 35, 47। आइए चलिए देखिए, यहां पर बोला गया है कि इकाई के स्थान पर जो अंक है दहाई के स्थान पर अंक के दुगने से एक कम है, तो ये जो है 5 × 10, 10 से एक कम, ठीक है, 2 × 4, 4 से एक कम, 3 × 6, 6 से एक कम, 4 × 8, 8 से कम, मतलब इस कंडीशन को सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद बोला है इकाई दहाई के अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो अंक पलटने से बनी संख्या और मूल संख्या के बीच का जो अंतर है वो मूल संख्या से क्या है, 20 कम है। इसको फॉलो कराना है, इसको फॉलो कराना है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 95, ये क्या है 32, ये क्या है 53, और ये क्या है 74। बच्चे इसका अंतर क्या है, 27 है, और 27 क्या है बताइए, 47-20 है कि नहीं, मूल संख्या से 20 कम है कि नहीं, 27 जो है वो मूल संख्या से 20 कम है कि नहीं बता दीजिए। अगर हम संख्या लेते हैं 47, माना कि हमारा ये उत्तर सही है, अगर ये हम माने कि ये आंसर सही है, वैसे तो सबको चेक करते हुए आना है, हमको समय का अभाव है इसलिए पूरा सब चेक नहीं कर रहे हैं, ये आपके घर के लिए छोड़ रहे हैं, आप चेक करिएगा सब कट जाएगा, सब कैंसिल हो जाएगा। ध्यान से देखिए 47 का अंक पलटेंगे तो अंक पलटने से बनी संख्या क्या होगी, 74 होगी, 47 और 74 का जो डिफरेंस होगा वो 27 है, 27 है। अब ये बताइए ये जो 27 है ये ओरिजिनल नंबर से 20 आपका लेस है कि नहीं है, 20 कम है कि नहीं है, है? देख लीजिए सीधे सीधे यही क्या होगा आंसर होगा, आ गया समझ में। चलिए
अब आइए 66 नंबर के क्वेश्चन पे। दो अंकों वाली एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई वाला अंक इकाई वाले अंक से दो कम है, हो जाएगा बच्चों? इसमें भी एक ही वेरिएबल लेके करना है। इस संख्या के तिगुने में यदि उस संख्या का 6/7 जोड़ा जाए जो संख्याओं के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त होती है, तो 108 प्राप्त होता है। कर पाएंगे? संख्या में अंकों का योग क्या होगा? क्या हाँ, तो इस संख्या के तिगुने में यदि उस संख्या का 6/7 जोड़ा जाए जो संख्या के अंक बदलने पर प्राप्त होता है, तो पलटी हुई संख्या का 6/7 जोड़िए, पलटी हुई संख्या का क्या जोड़िए, डिजिट इंटरचेंज हो जा रहे हैं, उससे बनी संख्या का आप 6/7 जोड़िए, तो आपका क्या होगा रिजल्ट? 108 आएगा। बच्चों कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? हो जाएगा ना? हो गया है, गुड। आइए, मैं होमवर्क में दे रहा हूं आपके लिए, छोड़ दूं ना? कर पाएंगे? जरा सोचिएगा कंडीशन, एक ही वेरिएबल में लेके करिएगा, डबल डबल वेरिएबल नहीं लेना है। कोई भी बच्चा ध्यान दे, 67, और नए बच्चे तो विशेष ध्यान देते हुए चले। क्लास आपकी यूट्यूब पे थी लगातार है? नहीं, कल की क्लास है, कल वाली क्लास है यूट्यूब पे। कल ही से मैंने संख्या संबंधी शुरू किया है क्या? पहले से शुरू किया, ठीक। कल की भी क्लास देख लीजिएगा आप लोग। हाँ, 67, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग संख्या का 1/7 है, इकाई अंक दहाई अंक से 4 कम है, लीजिए वैसा ही है, बना पाएंगे? यदि अंक को उल्टा करने पर प्राप्त अंक 7 से विभाजित होता है तो शेष क्या होगा? ठीक है, अब इसके बाद है, कोई दिक्कत नहीं, अंकों का योग संख्या का 1/7 है, इकाई दहाई में रिलेशन दिया ही हुआ है, क्यों बच्चों? और एक कंडीशन सीधे वन वेरिएबल में बनेगा ही बनेगा आपका, स्टार्टिंग वाला, वहां से एक्स की वैल्यू पता चल जाएगी, पता चलेगी ना, और फिर वहां से फिर संख्या पता चल जाएगी, फिर इसका आप संख्या का निर्माण करिएगा, इसको उल्टा करिएगा इसके अंकों को, तो एक दूसरी संख्या का निर्माण होगा, 7 से भाग करिएगा, शेष पता चल जाएगा। आ रहा है समझ में? अब 7 अंक से विभाजित होता है, विभाजित होने का मतलब ये नहीं कि पूर्णता विभाजित होता है, अगर पूर्णता विभाजित होता तो शेष क्या आता? शून्य आता। तो पहले आपको इकाई दहाई का अंक निकाल लेना है, मूल संख्या एक कोई बन रही होगी उससे मतलब नहीं है, अंक पलट के एक संख्या बनाएंगे, उसको 7 से भाग करेंगे, जो आएगा शेष वही बताना है। किसी ने किया कि नहीं अभी तक? कोई कर पाया? चलिए घर से करके आइएगा। अब आइए, दो क्वेश्चन घर के लिए छोड़ रहा हूं। एक परिमेय संख्या का अंश हर से 5 कम है, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो, पी और क्यू दोनों इंटीजर हो, पी और क्यू दोनों क्या हो? इंटीजर हो, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। ये सब पढ़ाऊंगा अभी मैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कल ही पढ़ा देता हूं, कल नहीं पढ़ाऊंगा एक दिन, अभी समय है इसमें। चलिए इस क्वेश्चन को करना है। एक परिमेय संख्या का अंश हर से 5 कम है, तो अंश को अगर एक्स मानेंगे, सॉरी हर को एक्स मान लीजिए, तो अंश क्या होगा? एक्स माइनस 5 हो जाएगा, या अगर अंश को एक्स मानेंगे तो हर क्या होगा? एक्स प्लस 5 हो जाएगा, कुछ भी मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हर 8 बढ़ा दिया जाए तथा अंश को दूना कर दिया जाए तो पुनः वही परिमेय संख्या प्राप्त हो जाती है, परिमेय संख्या है आपसे बोला गया है। तो दो तरीके हैं, बेसिक भी है और GTO भी है, दोनों तरीके हैं। एग्जाम का तरीका तो GTO ही है, एग्जाम का तरीका GTO ही है, लेकिन बेसिक और पहले बेसिक आप लोग लगा के देखिए लग पा रहा है कि नहीं। ठीक है बच्चों, ये शीट किसकी है? आऊंगा इसके बाद अलजेब्रा पढ़ाऊंगा, अलजेब्रा में अभी वो खत्म नहीं हुआ है, कौन सा पॉलिनोमियल, एक क्विक रिविजन लिया जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, ठीक है, कल जैसे मैं क्यूबिक भूल गया, कुछ चीज़ें थोड़ा सा मिसमैनेज हो गई, उसको आज रेक्टिफाई करते हुए चीज़ों को आपको फिर से उसको रिवीजन करा देंगे। ठीक है, चलिए।